नमस्कार, मैं वनिता कठारी आप सभी का MA ए फाइनल होम साइंस के एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम हमारी टॉपिक बजट एंड वार्डरोब प्लानिंग के अंतर्गत ही क्लोथिंग बजट फॉर फैमिली के निर्माण में जो विभिन्न चरण होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोथिंग हमारी बजट का मुख्य हिस्सा बनती है और हमारी आय का बहुत बड़ा व्यय एक्चुअली हम अपनी क्लोथिंग के ऊपर करते हैं। अब कुछ स्टेप्स हमें ये ध्यान रखना चाहिए सिलेक्शन करने से पहले या बजट बनाने से पहले कि हम कुछ टिप्स को फॉलो करें और उसके बाद हम अपने बजट को प्लान करें। तो क्लोथिंग फॉर बजट के अंतर्गत हमें एक्चुअली ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चिल्ड्रन बहुत ग्रोइंग एज के होते हैं, तो हम उनके लिए हमें लिमिटेड वस्त्रों का चयन करना चाहिए। पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना कि हमें उनकी डिमांड्स को किस तरह से पूरा करना है, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज के अंतर्गत होते हैं और उनमें विभिन्न मंथ्स के अंदर भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ऐसे में हम यदि हम अपने बजट को किस तरह से उनके लिए अलॉट करें, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। सेकेंड होता है कि हमें एक इम्पल्स बाइंग नहीं करनी चाहिए, अर्थात जो बाज़ार में उपलब्ध है उसको हम एक हड़प नीति कह सकते हैं एक तरह से, तो उस नीति के अनुसार हमें नहीं करना चाहिए। जो बाज़ार में अवेलेबल नहीं होगा, ये एक ध्यान की कि नहीं मिलेगा, आज मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, इस प्रकार की जो सोच हम रखते हैं और उसके कारण से हम कई बार अनावश्यक परचेसिंग कर लेते हैं जिससे हमारा बजट डावाडोल हो जाता है। एक्चुअली हमें जब अपने कपड़ों को चयन करना होता है तो हमें वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक जो वस्त्र संबंधी जब आवश्यकताओं के बारे में हम करते हैं तो एक आपकी होती है अनिवार्य आवश्यकता और दूसरी सामान्य आवश्यकता। यूजुअली अनिवार्य आवश्यकता वे आवश्यकता है जिन्हें आपको इमीडिएटली पूरा करना होता है, इनके बिना लाइफ मुश्किल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सर्दी है तो उसके लिए आपको स्वेटर खरीदना ही पड़ेगा, बरसात है तो आपको रेनकोट खरीदना ही पड़ेगा, परंतु यदि हम बरसात के सीज़न में वुलन क्लोथ्स खरीदेंगे तो हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं और इस प्रकार हम अपने बजट को संतुलित कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारी कॉमन नीड्स होती हैं, जैसे सामान्य थी कि इसके बिना हमारा काम चल सकता, तो यह प्रवृत्ति यदि हम रखते हैं तो हमारी परचेसिंग बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगी और हम एक तरह से कह सकते हैं कि वाइज बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चीज होती है कि कई बार हम मार्केट के अंदर एंड ऑफ क्लियरेंस सेल्स चलती है कुछ स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर, और वहाँ पर हमें वही वस्त्र कई बार 50-75% ऑफ में जो हम ऑफ सीजन खरीद रहे थे उसको मिल सकता है। तो हमें ऑफ सीजन यूजुअली जो क्लियरेंस सेल्स होती है उनका हमेशा लाभ उठाना चाहिए, सो दैट ये हमारे बजट क्लोथिंग बजट में जो हम अमाउंट एलोकेट कर रहे हैं उसको कम कर देगा। यूजुअली कंसिडर सेटिंग अप अ शेड्यूल ऑफ परचेजिंग न्यू क्लोथ एंड मेक श्योर चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ न्यू क्लोथिंग, कि बच्चे को जानकारी होना चाहिए कि उसे कब कपड़ा मिलेगा। यूजुअली हम जाते हैं स्कूल ड्रेस के लिए वगैरह परचेजिंग, तो भैया समर्स में हम खरीदेंगे, फिर आप उन बच्चों को अपने क्लोथिंग के लिए एक कह सकते हैं कि नए क्लोथ्स खरीदने से पहले उनका फुल यूटिलाइजेशन हो। फॉर एग्जाम्पल स्कूल ड्रेसेस वगैरह है तो इनका फुल यूटिलाइजेशन करना अति आवश्यक होता है, और हम यदि ऑफ सीजन इनका खरीदेंगे तो ये कई बार हमें अवेलेबल भी नहीं होते हैं, साथ ही ये हमें डबल कॉस्ट में पड़ते हैं। यूजुअली हमारी क्रिएटिव थिंकिंग कि जो हमारे पास सृजनात्मकता है, जो हमारी सोच है, क्रिएटिविटी है,
जो सृजनात्मक सोच है उस सोच को ध्यान में रखकर और हम हमारे जो पुराने वस्त्र हैं उनको एक नवीन रूप दे सकते हैं और इस प्रकार हम अपने क्लोथिंग बजट्स को कम कर सकते हैं। साथ ही हमें हमारा बजट बहुत लचीला रखना चाहिए। इन सब टिप्स को फॉलो करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फैमिली के मेंबर्स कौन कौन हैं। हमारी फैमिली के मेंबर्स के अंतर्गत हमारे पेरेंट्स, मदर, फादर और बच्चे आते हैं। यूजुअली एक फादर जो होता है वो हमारी सेविंग्स के कई अन्य हिस्से भी साइड में रखता है और नेचुरल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, परिवार की फ्यूचर इमरजेंसीज होती हैं, इन सब के लिए फादर बजट के अंदर एलोकेशंस करता है। और सबसे बड़ा मेजर आइटम 60% हमारा बजट हमारी मील्स के ऊपर जाता है क्योंकि हमें एक बहुत ही बैलेंस्ड डाइट की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि हमारी लार्ज पार्ट ऑफ इनकम जो है वो किसके ऊपर जा रही है, आपकी फूड के ऊपर जा रही है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो अमाउंट है वह है आपकी क्लोथिंग के ऊपर। तो हमारे पास कई ऐसे ऑपरेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं घर के अंदर जहाँ पर हमें बजट एलोकेशंस की आवश्यकता होती है और इन सब का इफेक्ट हमारा यूजुअली हम देखते हैं कि हमारी क्लोथिंग पर पड़ता है। ऑन एवरेज साल भर की आय का करीबन 8-10% हम अपने वस्त्रों पर स्पेंड करते हैं। और जब हम डिविजन्स देखते हैं हमारे बजट का कि हमें किस प्रकार से इन बजट को डिविजन्स करना चाहिए, तो हमारी दो क्लोथिंग होती है, एक आउटर क्लोथिंग और एक इनर क्लोथिंग। तो यूजुअली हमारे आउटर गार्मेंट्स जो होते हैं वो हमारा 48-50% ऑफ द टोटल क्लोथिंग बजट लेते हैं। और इसके अलावा जो हमारे गार्मेंट्स हैं, अंडर गार्मेंट्स हैं या फिर हमारे जो नाइट सूट्स वगैरह होते हैं वो 8-13%, शूज़ एंड हॉइजरीज जो हम कह सकते हैं वो 18-27%, एसेसरीज हमारी 4-8% और स्पोर्ट्स क्लोथ होते हैं वो 0-4% हम हमारा यूजुअल बजट इसके ऊपर एलोकेट करते हैं। एक्चुअली हम इन सब बजट एलोकेशन के माध्यम से हमारी वार्डरोब कितनी कॉस्टली है यह डिसाइड करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि बजट के निर्माण में हमें किन चरणों को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला चरण हमारा होता है कि हमारी आवश्यकता को निर्धारित करने का या आवश्यकता को आइडेंटिफाई करना। तो प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को हमें पहचानना होता है और आवश्यकताएं हमारी निम्न बातों पर डिपेंड करती हैं। हमारा अवसर, इस अवसर के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, क्रियाएँ और मौसम, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति हमारी एक्चुअली एक क्या करता है, हमारी क्लोथिंग नीड्स को डिसाइड करता है। फिर हम एक प्रकार से कितनी अमाउंट ऑफ क्लोथिंग एक परिवार को चाहिए इसकी एक सूची तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ फैमिली फादर है तो वे ऑफिस जाते हैं, उनकी कैजुअल वेयर्स है, ऑफिस वेयर्स है, पार्टी वेयर्स है, इनकी संख्या को हम निर्धारित कर लेते हैं। और तीसरा उसका फैक्टर आता है कि उसकी क्वालिटी कि किस तंतु की बनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैजुअल वेयर्स है जो ऑफिस वेयर्स के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें हम सिंथेटिक फैब्रिक्स में ले सकते हैं तो वे काफ़ी ड्यूरेबल्स होंगे। पार्टी वेयर्स हैं उन्हें हम थोड़ा कॉस्टली आइटम्स के रूप में ले सकते हैं, स्वेटर्स, पजामा, कुर्ता, टाई, एक्चुअली डिफरेंट आइटम्स की हम एक सूची तैयार कर लें विभिन्न एज ग्रुप्स के लिए कि हमें क्या क्या वस्त्रों की आवश्यकता होती है। और यूजुअली हम देखते हैं कि जब यह लिस्ट तैयार हो जाती है कि कितनी संख्या और किस क्वालिटी की, तब हमें बजट एलोकेशन आसान हो जाता है।
द्वितीय चरण के अंतर्गत हम वस्त्रों का विश्लेषण करते हैं और यहाँ पर जो भी उपलब्ध वस्त्र होते हैं, पहनने योग्य वस्त्र होते हैं, उनके संभावित उपयोग के बारे में हम एक बार विचार अवश्य करते हैं कि इनसे हमारी किस हद तक आवश्यकता पूर्ण हो रही है। तीसरे चरण के अंतर्गत हम नए वस्त्र की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं, अर्थात हमें इन वस्त्रों की आवश्यकता है या नहीं, या हम इन वस्त्रों को थोड़ा डिले कर सकते हैं। यूजुअली जब हम नए वस्त्रों की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं तो हम अपनी प्रथम और द्वितीय सूची जो तैयार करते हैं, प्राइमरी सूची की और सेकेंडरी सूची, उन सूची के अंदर हम संतुलन बिठाने की कोशिश करते हैं। यूजुअली हम जब डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर हमारा बजट ऑलरेडी कम हो जाता है। लास्ट स्टेप आता है इसके अंदर कि भैया कीमत क्या है और हम कितना बजट इस महीने में एलोकेट कर सकते हैं या कब हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जान रहे हैं कि हमारे घर के अंदर विवाह का ओकेशन 4 महीने बाद है, तो 4 महीने बाद हमें इस फॉर एग्जांपल 2000 की ड्रेस आवश्यकता है, परंतु 1 महीने में 2000 निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम जो पिछले 3 महीने हैं उन 3 महीनों में 500 ईच करते हुए 4th महीने के अंदर हमारे पास 2000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं और हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमें वस्त्र की कीमत का अनुमान, हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए और किस कॉस्ट का चाहिए, उसका अनुमान होना आवश्यक होता है। यूजुअली हम इसके लिए एक बार जाकर मार्केट में सर्वे भी कर सकते हैं कि भैया सही कीमत क्या है। सेकंड चीज, सही कीमत जानने के लिए हम विभिन्न शॉप्स में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें सस्ता माल उपलब्ध होगा जो हमारी नीड को भी पूरा करता है और हमारी जेब को भी बचाता है। कीमत का अनुमान होने का यूजुअली आपके अनुभव भी इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। और पांचवा चरण होता है कि संतुलित करना, नए वस्त्रों की अनुबंधित कीमत और प्रत्येक सदस्य के लिए जो निर्धारित बजट है उसकी धनराशि की तुलना करनी चाहिए और इस प्रकार हमें एक संतुलित बजट का निर्धारण करना चाहिए। बजट को संतुलित करते समय हमारी दो स्थितियां होती है, अनुमानित कीमत निर्धारित धनराशि से कम होती है या अनुमानित कीमत निर्धारित धनराशि से अधिक होती है। सामान्यतः प्रथम स्थिति यूजुअली कम होती है क्योंकि मार्केट के अंदर जाते हैं तो कई चेंजेस इसमें आ जाते हैं, हम एक का सोचते हैं और जाके मार्केट में हम दो का लेके आ जाते हैं। तो यूजुअली हम मार्केट में जाने के बाद एक्स्ट्रा व्यय ही करते हैं, उस हम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे हम अधिक ही व्यय करते हैं, तो अधिकांशतः द्वितीय स्थिति पाई जाती है। यदि अनुमानित कीमत हम सही तरीके से निर्धारित करते हैं तो हम आवश्यकताओं का पूरा पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है और आवश्यकताओं के क्रम के आधार पर वस्त्र खरीदने की हम योजना तैयार कर सकते हैं। इसके साथ हम पुराने का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए कि थोड़े से सुधार करके क्या हम पुराने वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़ा सा संतुलन बजट के अंदर हम बिठा सकते हैं। सिक्स चरण जो होता है कि परीक्षण करना, इवैल्यूएशन करना। एक्चुअली जो ये हम योजना बनाई है उस योजना को हमें परीक्षण करना होगा। सप्तम चरण में हम उसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आ जाती है, हम उसे क्रियान्वित करते हैं और नियंत्रित करते हैं, अर्थात योजना के बाद उपभोक्ता इसे खरीदने हेतु निर्देशक के रूप में उपयोग लाते हैं तथा वस्त्र संबंधी बजट बनाने के बाद इसका नियंत्रण किया जाता है। बजट के क्रियान्वयन के समय खरीदने से पूर्व बाजार का अध्ययन हमें कर लेना चाहिए, उद्देश्य के अनुरूप अच्छे किस्म के वस्त्र खरीदना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि खरीदने वाले व्यक्ति में किस्म के परखने की योग्यता होना आवश्यक है। आठवां चरण इसके अंतर्गत आता है कि नियंत्रण के पश्चात बजट का
मूल्यांकन करना, भैया आपका लेके आ गए, अब उसके बाद आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन के लिए हमें कुछ हमारे प्रश्नों को रखना चाहिए कि क्या हमने सभी आवश्यकताएं पूरी करी है, निर्धारित प्रत्येक सदस्य की नीड्स को पूरा वस्त्र पर्याप्त मजबूत है, अवसर और आवश्यकता के अनुसार है, देखभाल करना कहीं कठिन तो नहीं है, क्या खरीदे गए वस्त्र उपयुक्त कीमत के हैं, और वस्त्र का सदस्यों को हमें एक्चुअली ये संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो हमें इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक सैम्पल बजट तैयार करना चाहिए, जिसमें विभिन्न परिवार के सदस्यों की संख्या और घर की परिसज्जा के लिए कितना अनुमानित हमें क्या चाहिए और कितनी अनुमानित व्यय है, इसको निर्धारित करते हुए हमें घर का बजट प्लान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।